हिंदुओं के लिए सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है और हर त्योहार को मनाने के पीछे पौराणिक महत्व और कथाएं होती हैं। इसी प्रकार आस्था के महापर्व के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, पूर्वांचल, झारखंड आदि क्षेत्रों में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्या है इस पर्व के पीछे की कहानी, आपसे ये बताएंगे पंडित सुनील भारद्वाज, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। छठ का पर्व, 4 दिन का विशाल पर्व जो 4 दिन तक बेहद धूमधाम से देश भर में और अब तो विदेशों में भी मनाया जाता है। इस छठ पर्व के दौरान हम पूजा करते हैं प्रकृति की, सूर्य देव की, छठ मैया की, नदी की, तालाब की। तो ऐसे में इस विशाल पर्व को आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी महत्वता, क्या है इसके पीछे वैज्ञानिक कारण, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज पंडित सुनील भारद्वाज जी। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत विशेष कारण था कि इस प्रोग्राम में हम आपको बुलाना चाह रहे थे, आपसे जुड़ना चाह रहे थे, क्योंकि कई सारी चीजें थी। क्यों ये पर्व मनाया जाता है, क्या इसके पीछे महत्वता है, ये तमाम चीजें तो कही जा रही हैं, लेकिन आखिर सूर्य देव, उनकी विशेष तौर पर उपासना की जाती है। हमारे पास करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन सिर्फ सूर्य देव की क्यों, और 4 दिन का विशाल जो उत्सव है आखिर इतना लंबा क्यों है? देखिए, सूर्य देव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो पंचदेव की हम बात करें। पंचदेव में सबसे पहले गणेश, विष्णु हो गए, शंकर हो गए, माता हो गए, पांचवे हो गए हमारे सूर्य नारायण। अब ये सच है कि सूर्य नारायण की कोई पूजा नहीं है, मगर यही एक ऐसा पर्व है जिसमें 36 घंटे का व्रत उपवास, तो बहुत लंबे समय के लिए, इतने लंबे समय के लिए कोई किसी देवता की पूजा नहीं है। और हम समझते हैं कि छठ की पूजा का जो महत्व है वो सबसे बड़ा यही महत्व है कि ये लंबा समय है आपके पास, ये बहुत सारी बातों के लिए है। इसका धार्मिक स्तर बहुत ऊंचा है। धार्मिक स्तर की बात करें तो वो आप समझ नहीं सकते कि सारे पुराणों में अगर सूर्य की उपास, सूर्य ना हो तो हमारी आंखें व्यर्थ हैं। जैसे सूर्य के बिना, सूर्य ही हमारे को दिखाते हैं, रोशनी तो सूर्य ही देते हैं भाई। जैसे रज और शुक्र है, सूर्य और चांद के बिना हमारा जीवन यापन असंभव। और यही सूर्य चांद जो होते हैं, यही दोनों मार्गी हैं, एक इनकी स्थिति है, बाकी ग्रह वक्री होते रहते हैं, मगर सूर्य और चंद्रमा सीधे कुंडली के अंदर। ये विशेष बात है, जन्म जब से सृष्टि बनी है तब से यही सीधी चाल है, कोई चाल ही नहीं है, मतलब एक स्थिर है या इनकी मूवमेंट। और ये मुख्य है कि सूर्य के बिना हमारे पंचदेव पूरे नहीं होते, और उसमें इनको स्थान है। जैसे गणपति की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, माता की आराधना करते हैं, वहीं आप हमारे चंद्रमौलि आशुतोष भगवान शिव की आराधना करते हैं, मगर सूर्य की आराधना भी उसी तरह है। मतलब एक त्योहार है, पंचदेव में तो कर रहे हैं हम, मगर अलग से अगर हम बात करें तो एक यही एक मात्र एक ऐसा पर्व है जो 4 दिन चलने वाला पर्व है। चतुर्थी से लेकर पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी और फिर सप्तमी के दिन जब अर्घ देंगे ना प्रातःकाल उगते सूरज को। अच्छा, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारा छठ मैया की कथा है, बहुत सुंदर कथा है, उनके लिए बहुत सारा विधान है। इसमें बड़ा ही बड़ा पर्व माने इसे, आप इसको ऐसा पर्व माने कि उत्सव माने, जैसे आपने मेला बोलते हैं कहीं तो महामेला बोलते हैं, तो ये महाउत्सव है। इसको आप पर्व नहीं माने, इसको महाउत्सव के नाम से अगर जाना जाए तो वो बहुत अच्छा। और यही नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम कहते हैं जिसके नेत्र हैं वो इस पर्व को मनाता है। अच्छा, मतलब मुख्य तौर पे वैसे सूर्य की उपासना होती है, लेकिन प्रसन्न छठी मैया को किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक और चीज है कि जब हम छठी मैया की बात करते हैं तो सूर्य नारायण के अगर हम पहली तो समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी उपासना में ऐसा विधान क्यों है। अब पहली चीज कि हमने उगते सूरज को जल दिया और डूबते सूरज, उषा प्रतुषा, ये समझने की बात करें तो छठ मैया आपकी तभी कहलाएंगी जब आप उषा प्रतुषा की पूजा करेंगे, उषा प्रतुषा को नमन करेंगे। यहाँ पर उनका पूरा परिवार यहाँ पर पूजेगा, तो छठ मैया के रूप में यहाँ पर आप उनको पूजेंगे, क्योंकि छठ मैया जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी तब तक आपके जीवन में धन धान्य नहीं होगा, तब तक आपके परिवार नहीं होगा। इसमें क्या चीज मानते हैं, परिवार, धन धान, रोग निरोग,
आपको किसी भी तरीके की धन संपत्ति ऐश्वर्यता और सबसे बड़ी जो ऊंची चीज है वो छठ मैया की पूजा में जो मिलता है उनकी आराधना करने से आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बहुत बड़ी चीज है जो अच्छा देखो आपने पुरानी कथाओं में भी मिला है, महाभारत काल में मिला है, कुंती ने भी सूर्य की उपासना करी, जितने ने हम कुंडली में भी लोगों को बताते हैं कि सूर्य की पूजा करो आप तो आपको पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। मगर इनकी पूजा करने से आप पहले से ही अगर पूजा करेंगे विवाहित अविवाहित कोई भी करे, बहन माता पुत्री किसी भी रूप में किसी भी परिवार के सदस्य के लिए अगर इनकी आराधना करेंगे तो उसको वही फल देंगे और श्रेष्ठ पद देंगे। अच्छा, हम आमतौर पे जब जैसे अगर पंडित जी हमें बताते हैं कि सूर्य की उपासना कीजिए तो हम रोज अर्घ देते हैं, इसी तरह से हम पूजा करते हैं, लेकिन इस छठ पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत ये रहता है, उसके बाद सूर्य की उपासना की जाती है, तो कुंडली में कुछ विशेष आपको बदलाव देखने को मिलते हैं या किस तरह से लाभकारी होता है? पहली चीज तो जो आपने कहा कि 36 घंटे और निर्जला व्रत, अभी इसका एक और चीज समझने की है, ये हम आपको बताते हैं कि इसमें बहुत सारी पद्धतियां भी हैं, आयुर्वेद ने इसमें इस पर बहुत ज़्यादा बोला है, मगर आपका प्रश्न है कि निर्जला व्रत करते हुए इसकी उपासना करना कुंडली, आप जब किसी अनुष्ठान को करते हैं ये अनुष्ठान भी कहलाएगा, ये एक तरीके का अनुष्ठान है, जब आप किसी अनुष्ठान को करते हैं उस अनुष्ठान के करते ही आपको उसका फल मिलता है। अब यहाँ आपने सूर्य का अनुष्ठान किया, उनके साथ छठ मैया का अनुष्ठान किया, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का है, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की भाव अच्छा नहीं है, वो दशम भाव को अच्छी तरह नहीं देख रहा, एकादश भाव को नहीं देख रहा, सूर्य की दृष्टि नहीं आ रही, बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में नहीं है, ये तमाम कुंडली की अगर ज्योतिषीय गणना की बात करें तो ये आपको उच्च श्रेणी का वक्ता बनाता है, प्रवक्ता बनाता है, उपाधि देता है, आपको ख्याति देता है, कीर्ति फैलाता है, आपके यश की मोहल्ले की जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बनाता है। सूर्य अगर ये नहीं कर रहा, सूर्य राहु से पीड़ित है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको। मगर छठ मैया की पूजा में विशेषता ये है कि इनकी उपासना आराधना करने से, इतने लंबे उपवास को करने से जो अनुष्ठान अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का है वो तत्काल मिलता है। ये बहुत बड़ी बात बताई हमने आपको, आपको शास्त्रों ने यही लिखा है कि सूर्य की उपासना निरंतर करते रहने से और आप उसमें व्रती बने, उसमें मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कर सकते हैं, वचन से भी कर सकते हैं, कर्म से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो इन पंडालों का आयोजन करते हैं, जो अनुष्ठान में योगदान देते हैं, जो यथाशक्ति अपने श्रमिक लगाते हैं, जो उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको भी कुछ फल मिलता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग पंडाल लगाते हैं, व्यवस्था करते हैं, जो उनके लिए सामान जुटाते हैं उनको भी फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि खाली व्रती को ही फल मिलता है। आप व्रती हैं, आप जा नहीं सकते, आप किसी मजबूरी बस कहीं फंस गए, आप अपना डाला या अपना सामान किसी को दे के सूर्य नारायण के नाम से भेज सकते हैं तो उसको भी वही फल मिलेगा, और आपकी कुंडली के अंदर कोई भी दोष होगा वो मुक्त होगी। और कुंडली के दोषों की बात करिए ना आपने, तो सूर्य नारायण आपकी कुंडली के अंदर जब तक प्रबल नहीं होंगे, जब तक वो अच्छे योग में नहीं होंगे, तब तक आपको उच्च पद नहीं मिलेगा, और उच्च पद नहीं मिलेगा तो आपको जीवन यापन में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपका प्रोफाइल नीचे हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं वो उच्च पद के अधिकारी ही नहीं होते, उच्च पद पर नियुक्त होते हैं। ये हमने बहुत लोगों को देखा है, जितने आप देख लेंगे सूर्य की उपासना करो, या तो आप सूर्य के उपासक हो तो आप उच्च पद के गुरु, गुरु बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली में अगर बलवान है तो आपको 1,25,000 दोषों से भी आपकी कुंडली मुक्त है, तो आप उच्च पद पे हैं। तो ऐसे में मतलब पूजा और विधि विधान तो बहुत नियम से और अच्छे से करना चाहिए, तो छठ पर्व पर किस तरह का विधि विधान, किस तरह से पूजन वगैरह होता है, इस बारे में कुछ बताइए। छठ की पूजन की बात करेंगे तो छठ का पूजन थोड़ा सा कठिन है, मगर अगर भाव आपका प्रकट हो जाए तो ये सबसे सरल है, सबसे सरल है, क्योंकि जब आपका अंतःकरण प्रभु के प्रति आसक्त हो जाए ना, या उनकी आस्था में डूब जाए, तो फिर आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक तो आप तैयारी में, समय आपका 3-4 दिन का ऐसे व्यतीत होता है कि आपको व्यवस्था करने में ही आपका सारा समय निकल जाता है, और उस समय में आप
जो बिहार की तरफ, या आप तो पूरे हम बात करेंगे पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में ही मनाया, यहाँ तक कि हमने तो देखा कैलिफोर्निया हो गया, अमेरिका हो गया, बहुत सारे देशों और प्रांतों में मनाया जाता है। उसकी एक राग है, एक गायन है, आप वो गाते गाते आपका समय कब व्यतीत होता है और वो गुणवत्ता उन प्रसाद में लीन हो जाती है। अच्छा, 2 दिन तो क्योंकि बीत चुके हैं, नहाए खाए हो चुका, खरना हो चुका, अब आपके पास संध्या का अर्घ है। संध्या का अब आप संध्या को अर्घ देंगे, फिर कल जो है आप प्रातःकाल जो आपका पारण होगा वो अर्घ देने के बाद आपकी व्यवस्था होगी कि आप प्रसाद वितरण करें। अब यहाँ पर आपने भोग किया, पहले सबके चरण स्पर्श करेंगे, फिर प्रसाद करेंगे, सूर्यनारायण को नमस्कार करके प्रणाम करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, घर ले जाएंगे, वो आपका ये 36 घंटे का जो पर्व होगा इसका समापन होगा, ये आपका अनुष्ठान पूरा होगा। और हम कहते हैं कि सूर्यनारायण आपके किसी भी दोष, आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके परिवार में कुल दोष हो, अगर आप ये पूजा पाठ कर लेते हैं, करना थोड़ा कठिन है, करना थोड़ा कठिन है, मगर आपके अंदर भाव भी ईश्वरी देंगे, आपको संकल्प लेना होगा, तो आप उन दोषों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी देखे जाते हैं, क्योंकि आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो किस तरह के वैज्ञानिक कारण इसके पीछे हैं और रोगों से भी हमें मुक्त करता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बात पहले आपको वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं, साथ साथ रोग भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि सूर्य, अगर हमारे सौर मंडल में सूर्य है, इनके बिना कुछ नहीं है, कोई भी प्लेनेट आपका काम नहीं करेगा, यह आग का गोला है, दूर बहुत है, जिससे वजह से इसकी लाइट हमें मिलती है। वैज्ञानिक पद्धति पे जो बीजांकुरित न्याय है हमारे यहाँ, वो बिना सूर्य के असंभव, ये वृक्ष पौधे होते ही नहीं, हम भी होते ही नहीं, तो ये वैज्ञानिक तो तत्व, तो इसको झुटला प्रकृति से आप भाग नहीं सकते, इससे विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते। तो सूर्य जहाँ से उगता है वो ईस्ट, हालांकि सूर्य उगा नहीं है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, बेसिकली तो हमारी पृथ्वी घूम रही है, हम बार बार सूर्य को दर्शन करते हैं। अगर वैज्ञानिक तत्व की बात करें तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सूर्य नारायण आए हैं हमारे, बल्कि हम बार बार सूर्य नारायण की तरफ आ जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। और दूसरी दृष्टि आपने कहा रोग की, चूंकि हम वैद हैं तो इस दृष्टि से आयुर्वेदिक चिकित्सक होने से बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कि सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना, देखो हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि आपने कई दिन तक नहीं खाया, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे फायदा होने वाला है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक वैद्य के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो आपसे पहला प्रश्न वो करता है कि क्या खाया था। वो ये प्रश्न नहीं करेगा कोई भी डॉक्टर कि क्या नहीं खाया था भैया तुमने, क्या खाया था, नाड़ी पूछते ही उसका सीधा लक्ष्य होगा किसी ना किसी रूप में कि सूर्य ने काम किया आपकी जठराग्नि में या नहीं किया। अब ये इससे वैज्ञानिक भी नहीं परे हो सकते, ये तो शास्त्र बोलता है, हमारा शास्त्र बोलता है, जो आज पर्व है ये, इस पर्व की मूल बात को अगर आप समझने का आपने पूछा कि क्या है, कि जठराग्नि में सूर्य नारायण की कृपा 12 बजे तक ना हो तब तक वो हमारा जठर में भोजन पकेगा नहीं, और जब तक भोजन पकेगा नहीं आपका शरीर चलेगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम तो खा लिया, कलेधन है, अभनम्बन है, स्नेहन है, नाम है उनके, ये सूर्य की कृपा से मिलेंगे आपको, ये अगर आप वैज्ञानिक के अंदर जाएं, क्योंकि हम वैद्य हैं तो बता रहे हैं इस बात को, आम जना पता नहीं होता इस बात का कि वो पकेगा नहीं, वो रस बनेगा नहीं, वो रक्त मज्जा मांस बनेगा कैसे, तो जठराग्नि में पहले खाना पकेगा, इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि उगते सूरज तक जितना भी खा लो वो सब पकेगा, क्योंकि सूर्य की जठराग्नि में आपकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, वो अग्नि हमारे को नेत्र भी देती है, हमारे शरीर को पुष्ट करती है, वात पित्त कफ रोगों से हमारे को मुक्ति देती है, जो हमारे त्रिदोष बढ़ जाता है उससे हमें देती है मुक्ति। और ये कार्तिक मास का महीना ही श्रेष्ठ क्यों? अब भाई अगर हम बात करें ना, ये इसी, ये पर्व इस समय क्यों आता है, क्योंकि इस समय, अब वैज्ञानिक दृष्टि भी इसमें है, क्योंकि ये जो समय होता है सबसे प्रमुख समय माना गया है, इसी समय मात्र कार्तिक मास, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, पार्थ मुझको सबसे ज्यादा मासों में प्रिय है कार्तिक मास। आध्यात्मिक दृष्टि से तो भगवान कृष्ण ने कहा, अगर हम शास्त्र को माने, शास्त्र की भी माने यहां पर, तो कार्तिक मास मुझे प्रिय है। अब कार्तिक मास में सूर्य थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अब आप समझें बात को, सूर्य आ गए थोड़ा नीचे, जब हम सूर्य को जल देंगे तो यूवी रेस के आप आते हैं पीछे, अच्छा,
और पूरे साल में आप किसी भी दिन डूबते सूरज को जल देते ही नहीं। बिल्कुल, आप देख के देखें प्रत्यूषा मैया को, जल देख के देखें एक बार, और उसके बाद प्रातःकाल आप उषा मैया के नाम से जल दें। तो ये दो जो हैं दोनों आपके जो शरीर के अंदर आपके अंदर वात विकार, कफ विकार, पित्त विकार हो रहे हैं, वो रोग की दृष्टि से आपके संतुलित होने लगेंगे। क्योंकि आप जैसे प्रतिदिन कहते हैं कि सूर्य नारायण को जल दो, तो यहाँ पे आपने संध्या काल को भी दिया और प्रातः काल भी दिया, और दोनों के बीच का जो समय है उस समय आपकी काया रही बिल्कुल बैलेंस। किसी व्यक्ति को भाग रहा हो उसको कहो बैठ जाओ तो थोड़ा वो सहज हो जाएगा, उससे कहो थोड़ा रुक जाओ सहज हो गया बैठ जाओ, और सहज हो गया लेट जाओ, तो आप पूरी रात सोते हैं। जल देने के बाद पूरी रात सोते हैं, तो आपको वो जो शरीर के अंदर क्रियाएं हैं वो आपकी संतुलित होती है, और प्रातः काल उठ के आप फिर जल देते हैं तो पुनः आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है और आपका शरीर एकदम निरोगी काया का स्वामी बनता है। अरे वाह, तो मतलब छठ का पर्व जो है सूर्य की भगवान की आराधना करने से तो आपके लिए फलदायी होगा ही, लेकिन आपके शरीर को कई जो है रोगों से भी दूर रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अनमोल जानकारियां। सभी छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, छठ की और खास तौर से आपके चैनल की तरफ से छठ की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो छठ का पर्व उतने ही उत्साह से आप मनाते रहिए। टोटल टीवी की तरफ से आप सभी दर्शकों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मौके पर यमुना के घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए सिविल डिफेंस के जवान भी पूरी तरीके से तैयार है। छठ पर्व के लिए सिविल डिफेंस ने और क्या कुछ तैयारी की हुई है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सिविल डिफेंस के लोगों से खास बातचीत की टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने। हर साल की तरह इस साल भी छठ के मौके पर दिल्ली के बड़े घाटों में से एक आईटीओ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु के आने की उम्मीद है, और इन श्रद्धालुओं को काबू करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन इनको काबू करने की जिम्मेदारी जो है वो सिविल डिफेंस के कंधों पर हमेशा रहती है और इस बार भी इन्हीं के कंधों पर है। क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से सिविल डिफेंस यहाँ पर लोगों की मदद करेगा, किस तरीके से यहाँ आने वाली भीड़ को काबू करेगा, उस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जावेद कुरैशी साहब जी है। सर, कितने लोग आपकी तरफ से लगाए गए हैं सिविल डिफेंस की तरफ से, और कैसे लोगों को टैकल करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर हमने कम से कम 20 वॉलंटियर अभी लगाए हुए हैं और आ रहे हैं अभी बाद में, और हर साल हर जो भी फेस्टिवल होता है यहाँ हम हर फेस्टिवल पे यहाँ पे अपने वॉलंटियर लगाते हैं, और बहुत अच्छी तरह बड़ी खूबसूरती से इसको हमने मैनेज किया हुआ है और मैनेज करते हैं। किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे, क्या क्या लोगों की मदद कर सकते हैं सिविल डिफेंस, कुछ बताइए इसके बारे में। इसमें यही है कि लोग आगे गहरे पानी में ना जाएं, उनको रोका जाता है, और यही है और तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ वॉलंटियर का यही काम है कि ये आगे कोई गहरे पानी में ना जाए और कोई हादसा ना हो, इसीलिए यहाँ पे लगाए जाते हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल 20 लोगों की टीम हमारे पास है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोपहर के बाद यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो जाएगी और फिर पूरा का पूरा खचाखच घाट बढ़ जाएगा, तब तक तब कितनी मैन पावर की जरूरत है? इससे ज्यादा तो जरूरत है नहीं यहाँ पे, बाकी वॉलंटियर और आ ही रहे हैं हमारे अभी तो। लगभग कितनी टीम, कितने लोगों की टीम रहेगी? आ जाएंगे कम से कम 50 के लगभग तो आएंगे। 50 के लगभग, तो लोगों को कुछ आप हिदायत भी लोगों की तरफ लोगों को दी जा रही है आप लोगों की तरफ से? हाँ हाँ बिल्कुल, हिदायत दी जा रही है किसी गहरे पानी में ना जाए, और जो ये जाल लगाए हुआ है इससे पहले पहले ही रहें, आगे आगे इससे आगे ना जाए, क्योंकि आगे गहरा पानी है, तो इसीलिए यहाँ पर इनको लगाया जाता है, और इसीलिए जाल ये लगाया गया कि ये आगे गहरा पानी है, लोग आगे ना जाए। कोई हादसा कोई अनहोनी का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं? या सारे तैयार हैं, सारे तैरने वाले भी हैं हमारे पास, स्विमर भी हैं, तो वो उस हादसे को रोकने के लिए वो तैयार है। टीम में कितने गोताखोर है? गोताखोर तो 6-7 तो है ही कम से कम हमारे पास, 6-7 गोताखोर। बोट भी है आपके लोगों के पास? बोट तो यहीं से हमें मिल जाती है, यहाँ से बोट है यहाँ पे, और 3-4 बोट है, वो बोट यहाँ मिलती है। किस किस एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके आप ये सब कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारी अपनी ही एजेंसी है, सिविल डिफेंस का ही अरेंजमेंट है ये। नहीं, बाकी सब लोग भी साथ चल रहे होंगे ना? नहीं नहीं, हमारे साथ कोई सिविल डिफेंस ही चलता है और कोई नहीं चलता, हमारी अपनी टीम चलती है, हमारा और किसी से कोई वो नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी फिलहाल 20 सिविल डिफेंस की टीम के लोगों की तैनाती की गई है, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी यही होगी कि यहाँ आने वाली भीड़ को
काबू करे और अगर यहाँ पर कोई अनहोनी या हादसा हो जाए उसको किस तरीके से उसका सामना करना है, इसके लिए भी सिविल डिफेंस के जवान पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। राजधानी में छठ पूजा के मद्देनजर कई इलाकों में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया गया है। ये बदलाव आज से लेकर कल तक जारी रहेगा। बिहार और पूर्वांचल के लोगों की आस्था और भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली में कई स्थानों पर छठ व्रतियों के लिए पूजा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा के लिए दिल्ली के वाजिराबाद, ITO ब्रिज, कोंडली, उत्तरी दिल्ली के कुतसिया घाट, सूर घाट, श्याम घाट, राम घाट, काली घाट, हाथी घाट, बाहरी दिल्ली के बवाना कैनाल पर छठ घाट बनाए गए हैं। इस दौरान सभी घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इन घाटों पर उमड़ती है। इसके चलते कई जगहों पर लोगों को भारी जाम का भी सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर एहतियातन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक और 14 नवंबर को तड़के 4 बजे से सुबह 8 बजे तक मुकरबा चौक से बाहरी रिंग रोड पर चंदगीराम अखाड़े की तरफ किसी भी व्यावसायिक वाहन जाने पर प्रतिबंध रहेगा। भीड़ बढ़ने पर रिंग रोड पर कुतसिया घाट, मजनू का टीला और जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों को सिग्नेचर ब्रिज पर खजूरी खास की ओर भेजा जाएगा। यमुना पार से ITO ब्रिज की तरफ आने वाले वाहनों को गीता कॉलोनी की तरफ यमुना पुस्ते और निजामुद्दीन ब्रिज की तरफ भेजा जाएगा। अलिंदी कुंज से वाहनों को जैतपुर, लकड़ मार्केट और आगरा केनाल की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। मथुरा रोड की तरफ से पुस्ता रोड पर आगरा केनाल और लिंक रोड होते हुए वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से गुजारिश की है कि 13 से 14 तारीख को दफ्तर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो का इस्तेमाल करें ताकि आम जनता को ट्रैफिक से दोचार न होना पड़े। टोटल न्यूज के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।